नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम हैं। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में भी सीएम पुलिस मुख्यालय परिसर में लेंगे विभागीय बैठक, जहां सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर में होगी बैठक। सीएम साइबर भवन का करेंगे उद्घाटन। नवीन औद्योगिक नीति पर होगी कार्यशाला आयोजित। शाम 4 बजे नवा रायपुर में होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बता दें, आज सीएम पुलिस मुख्यालय परिसर में विभागीय बैठक लेंगे। इसी के साथ सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर में बैठक में भी सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसी के साथ सीएम साइबर भवन का उद्घाटन करेंगे और नवीन औद्योगिक नीति पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। वहीं शाम 4 बजे नवा रायपुर में कार्यशाला होगी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम, नव पुलिस मुख्यालय परिसर में विभागीय बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेने वाले हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आएंगी। और इसी के साथ सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर में भी बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सीएम साइबर भवन का उद्घाटन भी आज करने वाले हैं। और चलिए इसी को ज्यादा अपडेट के लिए रायपुर से संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट है सीएम के कार्यक्रम को लेकर आज? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं। खासतौर पर नया रायपुर अटल नगर में आज वो जाएंगे और लंबे समय से पुलिस विभागों की कोई भी बैठक उन्होंने नहीं ली थी, तो इसी के चलते आज तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के बड़े अधिकारी जितने भी हैं, पुलिस अधिकारी सभी की आज एक बैठक लेने वाले हैं। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में हो रही क्राइम व्यवस्था, अपराध के क्या नियम है, क्या चीजें बनाई गई है, नक्सलियों पे क्या अभी नए कानून आए हैं, सभी चीजों पर वहां पर एक चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है नए साइबर भवन का वहां पर उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे। उसके बाद देर शाम जो है आज नई औद्योगिक नीति पर, निजी होटल में एक कार्यक्रम है, नई औद्योगिक नीति पर एक चर्चा होगी, कार्यशाला होगी, कार्यशाला में वो भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में क्या नई औद्योगिक नीति पर क्या चीजें हैं, कितने इन्वेस्टमेंट हैं, क्या क्या चीजें नई लेके आनी है, और एक पूरी कार्यशाला होगी जिस कार्यशाला में भी वो शामिल होंगे। तो इस तरह दिन भर बता दें कि लगातार जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे। और यकीन हो सकता है कि जो पुलिस विभाग के साथ जिनकी आज बैठक है उसके बाद कुछ बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, या कुछ नए अगर कुछ आदेश निर्देश अगर कुछ आते हैं तो वो देखने पाई और बात होगी कि क्या कुछ नक्सलियों को लेकर है या प्रदेश में अपराध को लेकर कुछ नई घोषणा जो है या नए निर्देश जो है वो सीएम देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आज कुलभूषण जिस तरह से आपने बताया क्या कुछ आज नया बैठक में निकल कर सामने आने वाला है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ लगातार जो सीएम साय के कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर होने वाले हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी, कार्यशाला को लेकर भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। देखिए, परिसर में बैठक की बात भी सामने आ रही है। कुलभूषण, सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और दो जगह ये बैठक होने वाली है, ऐसे में क्या प्रदेशवासियों को कोई सौगात भी दी जा सकती है, क्योंकि कई जो ऐसे फैसले हैं जो लंबित हैं काफी समय से, और विभागीय परिसर की बैठक में उसमें फैसला भी आना था, इसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, ये पुलिस विभाग की बैठक है, तो यकीनन तौर पर अपराध से जुड़े जो जो चीजें हैं उन पर वहां पर चर्चा की जाएगी। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में ये बैठक होनी है, तो इस दौरान वहां पर नक्सलियों से जुड़े हो सकते हैं कुछ नई चीजें आए, क्योंकि नक्सल क्षेत्रों में पहले उनके उन्मूलन को लेकर बातचीत चल रही है और किस तरह से उनको वापस से स्थापित करना है, वो सब चीजों पर हो सकती है वहां पर चर्चा हो, क्योंकि अभी लगातार जो है भाजपा जो है वो नक्सल पीड़ितों के लिए और नक्सलों के लिए वहां पर कार्य किए जा रही है, तो हो सकता है कि एक बैठक पर एक चर्चा हो और उसके बाद जो है नक्सली पीड़ित लोगों के लिए हो सकती कुछ बड़ी घोषणा हो, या तो जो नक्सली वापस आ रहे हैं या फिर उनको जो मूलधारा से जोड़ा जा रहा है, इस बात पर समर्पण कर रहे हैं, उनके लिए नियम अगर आते हैं तो उनके लिए कोई नई योजनाएं अगर आती है तो उसकी घोषणा जरूर यहाँ पर की जा सकती है। जी बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज सीएम साय की अध्यक्षता में
बैठक भी होने वाली है और इसी के साथ 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर में भी एक बैठक होगी। पुलिस मुख्यालय में विभागीय परिषद की बैठक होगी जहां तमाम चीजों को लेकर जो फैसले हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ कार्यशाला का आयोजन भी है और साथ ही साइबर भवन का भी उद्घाटन पीएम साय आज करने वाले हैं।